बच्चों ये बताओ कि सीमा पाकिस्तान से भारत आई है, इससे भारत को नुकसान है या फायदा है? मैम भारत का तो पता नहीं, लेकिन सचिन को फायदा ही फायदा है, क्योंकि सीमा के साथ चार छुड़छुरी आए हैं, इसलिए सचिन का जापा का खर्चा बच गया। अच्छा मैं भारत की सुरक्षा की बात करूं और तुझे जापा सूझ रहा है उसका? हाँ इधर आ, पहले तो ये बता तेरे को खड़ा होने के लिए किसने बोला? मैम बोला तो कोई नहीं। मुर्गा बन, मुर्गा बन, इधर आ। प्रार्थना बोलवा चाला पुंचाला, अगर गुरुजी प्रार्थना में पीस थानी खड़ा कर लिया तो सबके सामने बेइज्जती करेला। आपा तो पुंचाला चले यार, आज आज क्लास में ही बैठे रह जा। अरे बिल्कुल सीधे लाइन से लग जाओ, अपने से तीसरे की गर्दन नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल सीधे हो जाओ। अरे मैडम जी कहाँ पे रह गए, फटाफट आ जाओ लाइन लगवा दो। अरे बिल्कुल सीधा खड़ा हो जा, सभी बच्चे एक साथ सावधान होंगे, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। अरे बेटा राजू हाथों को ऐसे मत कर, पैरों को भी ऐसा करना पड़ता है। अजी मार साहब पग चौड़ा वही को ने, हमारी लुंगी थोड़ी ज्यादा टाइट है। अरे तो बेटा तू ये लुंगी बांध के क्यों आता है, नेकर पहन के आया करे। अजी मार साहब नेकर चाहिए को ने, कहते कि मारा नेकर ने बकरी का घी। अरे तो बकरियों को खाने के लिए चारा डाला करो, नेकर क्यों डालते हो तुम? अजी मार साहब चारों महंगो है रे, जो मैं तो मांगा फाटे टूटा कपड़ा डाल दिया था। अरे तो फिर ये क्यों पहन के आया, ये भी उस बकरी को ही डाल दे। कल डालूंगा मार साहब। सावधान विश्राम, सावधान। अरे मेरी तरफ क्या देख रहा है, सामने देख ले। सावधान विश्राम, सावधान। ऐसे उछल क्या रहा है, आराम से कर ले। सावधान विश्राम। मैडम अब आप इनसे प्रार्थना बुलवाओ, तब तक मैं ऊपर जाकर क्लासरूम में चेक करके आता हूँ, देखिए कोई बच्चा ऊपर तो नहीं रह गया। ठीक है सर। तो बच्चों सावधान विश्राम, सावधान। तो बच्चों प्रेयर के लिए आगे आ जाओ। राजू कबाड़े जिंदाबाद, राजू कबाड़े जिंदाबाद, दाल बाटी चूरमा राजू कबाड़ी चूरमा, एक दो तीन चार राजू कबाड़ी। अरे रुको रुको, क्या बुलवा रहे हो ऐसे, यहाँ पर कोई चुनाव थोड़ी हो रहे हैं, प्रार्थना बोलनी है, प्रार्थना बुलवाओ इनसे। मैडम मुझे प्रार्थना आती नहीं है, क्या कि मैं पिछली बार सरपंच के चुनाव में खड़ा हुआ था, जो मन तो है नारायण नारायण जी, मैं तो कहते नींद में भी बड़बड़ाऊं चूक तो यही बड़बड़ाऊं चूक, राजू कबाड़ी जिंदाबाद। और मैडम मैं तो कहते मरु भी लाग तुम्हारा दाग में लोग बाग, यही नारा लगवाओ ला, राजू कबाड़ी जिंदाबाद, दाल बाटी चूरमा राजू कबाड़ी सूरमा। अरे ओए क्लास में कैसे बैठा है? सर मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अरे माथे में ऐसे बछीड़ सी लग रही है। अरे तेरे तो ऐसे ही बछीड़ लगती रहती है, कभी तो तेरे माथे में बछीड़ लगती है और कभी तेरे पेट में बछीड़ लगती है, और तू ऐसे ही नाटक करता रहा ना तो एक दिन तेरी जिंदगी के बछीड़ लग जाएगी। सर मैं नाटक नहीं कर रहा, आलो भाई विद्या की सोगन मेरी माथे में सासे ही बछीड़ लग रही है। अरे ज्यादा शिकारा है क्या मेरे को, जो तू ये नाटक कर रहा है ना, ये नाटक मैंने 20 साल पहले ही करके छोड़ दिए, चुपचाप खड़ा होके बाहर आ जाओ और प्रार्थना में चल। सर ऐसे कैसे खड़ा हूँ, खड़े होते चक्कर आते है, जाखो अरे बाण क्या चक्कर आ गए।
अरे बेटा एक लड़का ऑफिस में से इंजेक्शन लेके आना, इसको चक्कर आ रहे हैं। जी सर रहने दो, मत मंगाओ इंजेक्शन, अब नहीं आ रही है मेरे को चक्कर, अरे छीट भी नहीं उठ रही है अब तो। अरे बच्चीड तो मैं उठाऊंगा तेरे, चुपचाप चल प्रार्थना में, आजा चुपचाप। सर दो मत लगती है। चल प्रार्थना बुला। अरे प्रार्थना बुला दे। बुला रहा हूँ सर, आप उधर चले जाओ। जरा वीणा बजा दो सरस्वती, हम आरती करने आए हैं। जरा वीणा बजा दो सरस्वती, हम आरती करने आए हैं। जरा वीणा बजा दो सरस्वती, हम आरती करने आए हैं। जरा वीणा बजा दो सरस्वती। अरे वीणा ही बजाता रहेगा, आगे भी बोलेगा। आगे क्या बोलूं सर? अरे प्रार्थना बोलो, और क्या बोलेगा? इतनी आती है सर। अरे किसी को पूरी प्रार्थना आती है क्या? नहीं सर। अरे मैडम ये क्या बच्चे हैं, सड़कों प्रार्थना ही नहीं आती। आप एक काम करो, इनके नाखून और बाल चेक करो, और ये भी देखो कि कौन ना क्या आया है और कौन बिना नहाए आया है। ठीक है सर। हाथ दिखा रे। अरे ऐसे दिखा, इस हाथ के दिखा ना क्या है। ना क्या आया हूँ सर? नाखून दिखा रे, इस हाथ के भी दिखाओ, दांत दिखाओ, देखे अपने। ये क्या खा रखा है मुंह के अंदर? एम गुटका है। ये गुटका खाने की उम्र है तुम्हारी? और ये बालों का क्या हाल बना रखा है ऐसे? मैम सावन में नहीं कटाते। ऐसे तो ऊंट भी नहीं रखते आज के टाइम पे, सावन में नहीं कटवाते। लाइन में लगो इधर, कल कट जाने चाहिए ये बाल तुम्हारे, दिखाओ देखे। ये क्या बना रखे ऐसे खुरपे से? मैडम पत्ती नहीं थी। तो दांत ली तो थी ना घर पे तुम्हारे? दांत ली भी नहीं थी। दांत ली भी नहीं थी, ठीक है कल से है ना 10 रुपए दूंगी, नेल कटर लिया ना उससे करवा लेना। और ये बालों का क्या हाल कर रखा है तुमने? हाँ कल कट जाने चाहिए, ठीक है। और दांत दिखाना देखे तुम्हारे, ये क्या लगा रखा है दांतों के? ब्रश नहीं करते क्या डेली? कल से होनी चाहिए ये डेली, ठीक है ना? प्रॉपर आओगे कल से। तुम्हारे दिखाओ नाखून और दांत, ये क्या कर रखा है दांतों के ऐसे? और ये बालों का, इनका तो बहुत बुरा हाल है। तेल नहीं है क्या घर पर? मैडम माँ के मातम गाल वालो तेल को ने तो सब्जी में डालने वाला डाल के आ जाते। माँ के सब्जी वब्जी काय कौन बनावा है, मर्ची वाटर का वजह। ये क्या पहन रखा है हाथ में? कड़ो जाए के काय का कड़ा है ये? दादागिरी करने आते हो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो स्कूल में? मैडम दादागिरी वादागिरी काय कौन करा, वो तो बाबा जी को डो जाए। कोई बाबा जी बाबा जी नहीं होते, निकालो इसको। मैडम मत काट दीजो, नहीं मनमा उड़ा करके कूटेला। अरे नहीं निकालेगा तो मैं कूटूंगी तेरे को, यहाँ निकाल इसको। नहीं मैडम निकाल इसको। अरे क्या हो गया तेरे? अरे मार साहब कड़ो काट दीजिए मैडम को, भूतनी पर बलागी। अरे मैडम इनका कुछ मत निकालो, नहीं तो ये अपने सिर आ जाएंगे। चलो रे चलो सब क्लास में चलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू मैम। मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, सब प्रेजेंट बोलना। राजू कबाड़ी। हाजिर मैडम। गजेंद्र। यस मैम। गुमान। यस मैम। शौरण। हाजिर छा। लैंडीमल। यस मैडम। बोधु मारवाड़ी। आयो जू। ओम प्रकाश। आया हूँ मैम। विष्णु। यस मैम। वेरी गुड, आज तो सारे बच्चे आए हो। यस मैम। ठीक है बुक निकालो। मैम बुक तो घर पे रह गई। तू क्या करने आया फिर यहाँ पर? पढ़ने आया हूँ ना। पढ़ने आया बिना बुक के? ये बैग किस लिए लेके आया फिर? किताबें गाल के लाया हूँ। लाया किताबें तुम्हारी? हाँ मैम वो घर पे गलती से रह गई। तू क्यों नहीं रहा फिर गलती से? सॉरी मैम। इधर आ निकल, बाहर बाहर निकल।
मैम कल ही आऊंगा मैम। यहां से निकल मुर्गा बन जाओ इधर। मैम कल ही आऊंगा। मुर्गा बन जाओ मैंने क्या कहा? मैम मैं बैग तो है तो फिर बाहर निकाल दिया तो मैम नहीं मानोगे मुर्गा बनो। मैम बढ़ रहा हूं दो मत है। बन जाओ मुर्गा इधर। सबने निकाल ली बुक। तुम्हारी बुक कहां है? लाओ बुक दो। तो बच्चों बुक पढ़ने से पहले थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं अपन लोग। yes, सीमा मेम। तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? सॉरी मेम। चुपचाप मुर्गा बने रहो। तो आप लोग सीमा हैदर और सचिन को जानते हो? यस मैम। क्या जानते हो? सीमा तो मैडम बात टोपी को ना होगा ही। सीमा टोपी बचे। सचिन वो क्रिकेट गुन के लगा ही। सचिन तेंदुलकर बचे। अरे साले गधे, मैं उस सचिन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस सचिन की बात कर रही हूँ जो पाकिस्तान से सीमा को भगा के लाया था। जानते हो उसको आप लोग? मैम भगा के नहीं लाया था सीमा। तुझे खुद भगके आई थी मैम। तुझे मुर्गा बुनने के लिए बोला था ना, बीच में कैसे बोला? दोबारा खड़े मत होना। अच्छे से बन, ऊपर और पीछे से। अच्छे से बन। तो बच्चों ये बताओ कि सीमा पाकिस्तान से भारत आई है, इससे भारत को नुकसान है या फायदा है? मैम भारत का तो पता नहीं, लेकिन सचिन को फायदा ही फायदा है, क्योंकि सीमा के साथ चार छुड़छुरी आए हैं, इसलिए सचिन का जापा का खर्चा बच गया। अच्छा मैं भारत की सुरक्षा की बात करूं और तुझे जापा सूझ रहा है उसका? हाँ इधर आ। पहले तो ये बता तेरे को खड़ा होने के लिए किसने बोला? मैम बोला तो कोई नहीं। मुर्गा बन, मुर्गा बन इधर आ। ये ऐसे नहीं मानेगा। मैम मेरे दर्द होता है। चल मुर्गा बन। मैम मुर्गा बन। मैम बढ़ रहा हूँ। हाँ बन जा। अब क्लास के बीच में नहीं बोलेगा, सब बच्चों को डिस्टर्ब करता है। एक तो बुक नहीं लेके, ऊपर से सबको डिस्टर्ब और कर रहा है। मैम हाथ खड़ी कर लू क्या? पगों में दर्द। मुर्गा बन जा। हाँ तो बच्चों हिंदी की नोटबुक निकाल लो। आज हिंदी में अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक्सक्यूज मी मैडम। जी सर। क्या मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? श्योर सर, लीजिए। वेलकम टू यू सर। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। अब आप में से जिन जिन की फीस जमा है वो तो बैठ जाओ और बाकी के खड़े रह जाओ। तू कैसे बैठ गया? तेरी तो बाकी है, खड़ा हो। तेरे को क्यों पता होगा भाई, तू तो आता है फटके चला जाता है, लेकिन मेरे को सब पता है, मैं पूरा रिकॉर्ड रखता हूँ। और तेरा क्या सीन है? तू साले हर क्लास में ही मुर्गा बना रहता है, तेरी आधी जिंदगी तो मुर्गा बनने में ही निकल जाएगी। तो सर मैं खुद थोड़ी बनता हूँ, मेरे को तो बना देते है। अरे तो ऐसे ही थोड़ी बनाते हैं, तू कुछ खुशमात करता होगा, नहीं देखे इनको तो नहीं बनाते। ऐसे क्या होता है, कुछ तो बोल। कुछ ही। नकल निकालता है, तेरी फीस कब जमा होगी ये बता। पापा आने के लिए किए थे 2-4 दिन में। अरे तेरे पापा कब आएंगे? तेरे पापा रोज की रोज यही बोलते हैं कि निकल गया घर से आ रहा हूँ, निकल गया घर से आ रहा हूँ। वो घर से तो निकल जाते हैं लेकिन स्कूल में आके नहीं पहुँचते। ऐसे होने से कुछ नहीं होगा बेटा, फीस तो जमा करवानी ही पड़ेगी। सर ये क्या पड़ेगा, ये आज बुक्स भी लेके नहीं आया है। हैं बुक्स भी नहीं लाया? क्यों नहीं लाया रे? सर गलती से घर पे रह गई। तू तो नहीं रहा वहाँ पे। सर बैग धोया था तो फिर घर पे निकाल दिया था कल। तेरे ने गोभी धो देता हूँ मैं। दो मत मैडम, दे ली थी मेरे। बैठ वहाँ पे बैठ। सर दो मत। तू क्यों नहीं लाया फीस? कल करवा दूंगा सर। अरे कौन सा कल, कल करते हुए 2 महीने तो हो गए, फिर मैं क्लास में नहीं बैठाऊंगा, ध्यान रखना। बैठ जा नीचे। तेरा क्या सीन है? अच्छा तेरा क्या सीन होगा, तेरे को तो पता ही नहीं है फीस के बारे में, तेरे तो पापा से ही बात करनी पड़ेगी। बैठ जा नीचे। और डेमो किंग तेरा क्या सीन है भाई? सर 1-2 दिन में हो जाएगी। अरे 1-2 दिन में अपने आप ही हो जाएगी क्या? नहीं सर, मेरा छोटा मामा आके जमा करा जाएगा। अरे तू किस मामा के चक्कर में है? मामा मामा कोई नहीं कराएगा, अगर पढ़ना तेरे को है तो फीस भी तेरे को ही जमा करवानी पड़ेगी। कल घर से फीस लेके आना। ठीक है बैठ जा नीचे। जावेद तेरी जमा है बेटा? गुरुजी पूरी फीस जमा जा अपनी तो। अरे तेरे बोलने से ही पूरी जमा थोड़ी है, 1500 रुपए बाकी है तेरे भी, कल लेके आ जाना। लो मैडम आप कंटिन्यू करो। ठीक है सर। हाँ तो बच्चों अपन कहाँ थे? यही थे मैडम। अरे साले गधो, मैं ये पूछ रही कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अपन? मैम भाषा। भाषा
भाषा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अच्छा, दो प्रकार की कौन कौन सी होती है? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अच्छा, तो बेटा बोधू तुम खड़े हो। लिखित भाषा किसको कहते हैं? हाथ से लिखे जाने वाली भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। शाबाश बोधू बेटा, शाबाश। तो बच्चों भाषा कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। सबसे पहले मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। एक्सक्यूज मी मैम, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहा है। ठीक है बेटा, चलो मैं आ रही हूँ। राजा, आज मगुआ दियो तुम, कल तू गुआ उलो। यार मार कर रिपेयर वन मका की गुआ उला। यार ओ कोई मतलब तोड़ियो जे, रिपेयर तो मा कन भी कोन, पण मैं कड़ सु मचका ले वदा। तू भी कोई कन मचका ले जे। नहीं नहीं भाई साहब, चोरी गलत बात। चाहे जो कोई चोराया जो टहले जी, पण चोरी मत कर जे। चोराया तो यार पढ़ाई कोन कोई गेला में। अरे चोराया नमकीन आनी भी कोन सड़ा, रिपेयर दो रिपेयर चढ़ा हो तो गाचो गाल बा दे। नहीं नहीं हां, गलत बात, चोरी गलत चीज छे यार। बंडार बैठ गुरिंडे परचाल मा के पेट पर गावलो। यार मने भी थोड़ी सी नमकीन को आ दियो, मने गाड़ी भूख लाग रही जे। अरे मैं काहे करा भूख लाग रही जे, तो ग्रान सो रीपे ले रा बोकर फेर खा ले बोकर कती खाई जे। यार मन मावलो पापो धरी कोन दे, कावली डोकरी कर लिया बोकर पापो ने दे। तो यार मारी मम्मी को ने कोने तक को आ दियो। चोगो काल नहीं बार पेट भरा कलो साड़ो, और फिर पाच पेट भर दूलो आपने। राजा छुड़ा से मार दियो, राजा तेरा भाई ने मार दियो, राजा छुड़ा, राजा मार दियो, कॉल में दे पड़े मरे, राजा, ओए राजा कॉल में दे पड़े मरे, अरे मरी तब गई की तेरी दे दियो, अरे मर गया घर कमला। सब खड़े हो गए साले, तू कोई कलेक्टर है क्या जो तू खड़ा नहीं हुआ? सिस्टम है भाई। अच्छा, अरे तेरा सिस्टम तो भी मैं पूछने में बांट दूंगा, चुपचाप खड़ा हो। सिस्टम है भाई। अरे साले क्या सिस्टम सिस्टम लगा रखा है, ये सिस्टम है क्या? सिस्टम इज सिस्टम। अगर स्कूल में रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा। सिस्टम है भाई। माध्यम वालो सिस्टम छे कहीं चारी मेरी सिस्टम सिस्टम हो रही छे। कोई नेता नांगला को नाम दिखे आपा तो सिस्टम के नीचे ही रह लाला, नहीं तो और कड़े आपनो ट्रांसफर जैसलमेर कर दिला। बैठ जाओ रे नीचे, बैठ जाओ। आ जाऊं सर। अरे किस में आएगा, मेरे में आएगा कि इनमें आएगा? साले लंच खत्म हुए 10 मिनट हो गई, ये सब भी तो आकर बैठ गए, तू कहां रह गया था? अपना अलग ही सिस्टम है मास्टर, सबकी ओर नहीं है मेरे को। झुंड में तो सुअर आते हैं मुन्ना, शेर तो अकेला आता है। तो अब शेर ठुकेगा भी डिश डिश अकेला ही, इधर आके मुर्गा बन जा। नहीं सर, सुबह से मुर्गा ही बन रहा हूँ, अब रहने दो। तो अब गधा बन जा। गधा तो सिर्फ ऐसे ही हो, आप तो रहने दो, कुछ मत बनाओ। क्यों, अभी इतनी सी देर में तेरा सिस्टम कहाँ पे गया? चल तो अभी इधर आजा और मैं पूछूं कुछ प्रश्न का जवाब दे मेरे को। इधर आजा। पूछो सर। धोखा पाड़ा सुना? धोखा? हाँ धोखा। दो? दो, दो दो नहीं, धोखा पाड़ा सुना? अरे पाड़ा सुना। दो, दो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दो दुनी चार छे,
प्यार करे तो जान मनीषा थारो आशिक त्यार छे। अरे ये क्या बोल रहे हैं, तो का पहाड़ा सुना, ये तो आशिक त्यार है। सर दो मते, सर सारे दिन रील देखता है। सर लगती है दो मते, तो लगने वाला काम ही क्यों करता है। अरे को दो का पहाड़ा भी नहीं आता, तीन का तय, तीन का पूछ लो। पहाड़ा नहीं, अब तेरे को मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ, इधर आ जा। अरे इधर आ जा, इधर पूछ लो। मान ले तेरे पास 100 रुपये है और बोधू को अर्जेंट में 50 रुपये की जरूरत पड़ गई, तो तू बोधू को 100 रुपये देगा तो बोधू तेरे को वापस कितने रुपए देगा? कुछ नहीं देगा सर, सड़क गई अभी तेरे पूरी रख लेता है, मेरे 20 रुपये ही नहीं दिए पहले के। तेरे से उम्मीद भी मेरे को यही थी, साढ़े 1% का भी सही जवाब नहीं देता है, आ जाता यहाँ पर चश्मा लगा के। मेरे दिए कैसे पर काटना देगा अब तो। हाँ जी दोस्तों, देख लिए वीडियो तो दोस्तों मैंने उम्मीद ही को ना पूरो विश्वास से कितना इस स्कूल लाइफ को वीडियो खूब बढ़िया लगे हो लो, तो दोस्तों ताको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ई कारण है कि गया वीडियो मतान ये बोलियो छो कि दोस्तों खूब कमेंट कर दियो और ते करे भी खूब सारा कमेंट छो, तो ई वीडियो में भी गया वीडियो की जी खूब कमेंट करना चाहे, जय श्री राम लिख दियो और आ चीज और बता दियो कि तन ई वीडियो में सबसे ज्यादा मजो कौन सी जगह हो। और दोस्तों मैं तन बता दियो कि ई वीडियो में छने मैं बाई चीज दिखाई जू जो मारी साथ स्कूल टाइम में हो चुकी, न तो मारी फीस जमा रही थी और लंच में या नमकीन भी यहाँ ही खाओ जा, तो मैंने उम्मीद भी चेकी शायद था कि साथ भी मत दिखायो, बात कुछ कुछ चीजा हो चुकी, तो फटाफट बात चीज भी कमेंट में बता दियो। मिला ला जल्दी एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी ने राम राम सा।